या आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य मंत्री सुरेश पासी पर फिर लगा आरोप, 5 महीने में 4 तबादला, एएनएम ने दिया आत्मदाह करने की बात, विधानसभा से बाहर जाने की देते हैं अधिकारी सलाह, 5 महीने से नहीं मिली वेतन। अमेठी जिला में एएनएम ने अधिकारी व राज्य मंत्री की कार्यशैली से तंग आकर सीएमओ से आत्मदाह की बात कह डाली। बात कर रहे हैं वीआईपी जिला की शेरी में गिनाने वाले अमेठी की जा रही, वही अमेठी जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व राज्य मंत्री सुरेश पासी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां शुक्ल बाजार सीएससी अंतर्गत गयासपुर में नियुक्त एएनएम कांति देवी का 5 महीने में 4थी बार विभाग ने तबादला किया है, जिससे आहत होकर महिला ने आत्मदाह करने की ठान ली है। इतना ही नहीं, एएनएम ने राज्य मंत्री सुरेश पासी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। कांति देवी का कहना है कि मेरा तबादला निरस्त न किया गया तो वो आत्मदाह कर लेगी। वहीं 5 माह से महिला को वेतन तक नसीब नहीं हुआ, आखिर उसका वो उसके परिवार का कैसे पेट भरे। मिशन शक्ति कदम भरने वाले सरकार में महिलाओं का इस तरह से उत्पीड़न शायद कुछ और भी बयां कर रहा है। अमेठी से असद हुसैन की रिपोर्ट। आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। सर, मुझे परेशान किया जा रहा है। मैम, क्या कारण है? सर, मुझे परेशान किया जा रहा है, बार बार मेरा ट्रांसफर किया जा रहा है। 5 महीने में मेरा 4-4 बार ट्रांसफर किया गया। मैम, कौन कौन सी जगह ट्रांसफर हुआ है आपका? मेरा पहले तो जामो में किया गया, फिर 1 महीने बाद जो है मेरा सिंहपुर ब्लॉक में किया गया, इन्होना में, फिर जो है बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर मेरा जो है सुकुल बाजार किया गया। सुकुल बाजार को जो अभी 8 जनवरी को किया गया है, 8 जनवरी के बाद फिर जो है 15 जनवरी को फिर मेरा जो है इन्होना फिर कर दिया गया। मैम, कल आप प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी के यहाँ दिया गया था, उसमें आत्मदाह का प्रयास करने का बात कही है, क्या मामला है इसका पूरा? सर, अगर हमें वापस नहीं यहाँ भेजेंगे सुकुल बाजार में तो हम जो है सुसाइड कर लेंगे। मैम, इसके पीछे किसी का हाथ? ये छोड़ के चली जाओ यहाँ से, यहाँ पे राज्य मंत्री सुरेश पासी जी का दबाव आ रहा है, बार बार जो है परेशान कर रहे हैं, तुम हमारा विधानसभा ही छोड़ के चली जाओ। सर, वैसे भी मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसे भी 3 साल से हमारी रीढ़ की हड्डी का इलाज चल रहा है, हम पूरी तरीके बहुत परेशान हैं और बार बार हमें इधर से उधर किया जा रहा है, एकदम बर्दाश्त के बाहर है। ओके।